कम वक्त की होते ही बिल्कुल अंदर ही सारी उस की प्रयोग किया गया था, कुछ भी पंत वक्त दिखाई नहीं देते, और फिर भी जम्बो जेम्स अपने आप में कोनार्ड या कॉन्कॉर्ड जो होता है वो अपने आप में उतने उससे 10 गुने ज्यादा लोग लेकर के उड़ सकता है, और केवल लंदन से अमेरिका 2 घंटे में पहुंच जाता है कॉन्कॉर्ड, जबकि नॉर्मली 8 घंटे लगते हैं बोइंग। यह मेरी प्रयोग करवाने के पीछे अंदर के जो नाभिक तल है वो पूरा तेजी से विकसित होने लग जाए, बाहर से उसकी आप करेंगे और अंदर की जब नाभि आरंभ होने लग जाएगी तेजी के साथ, तो अपने आप में ही आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जिस स्थिति को परम अवस्था कहा गया है, जिसको पांचवी अवस्था कहा गया है, पांचवी देह कहा गया है, फिर छठी देह, फिर सातवीं देह। इसलिए मैं सोचता था ये प्रयोग करवाने के पीछे कि इस प्रयोग इस मंत्र सुनने के माध्यम से मैं सारी क्रियाएं आपके साथ संपन्न हो सके। मैं आपके सामने पैकेट है जो पुण्य जागरण का पैकेट है, और इस पैकेट को आप खोल लीजिए अपने सामने सुन। क्या पुण्य जागरण के लिए कोई सामग्री की जरूरत होती है? क्या आकाश को उड़ने के लिए, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि क्या आकाश को उड़ने के लिए हवाई जहाज का बेस जरूरी है? अगर हवाई जहाज में बैठ के उड़ सकते हैं तो हवाई जहाज जरूरी है, और यदि आप एक गृहस्थ व्यक्ति को पुण्य जागरण की क्रिया संपन्न करनी है तो ये सामग्री आवश्यक। और दूसरा प्रश्न आपका होगा कि हिमालय में जब साधु सन्यासी पुण्य जागरण किया आप संपन्न करवाते थे तो वो सामग्री कहाँ से आती थी? उसके लिए सामग्री की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी जरूरत नहीं है, मगर जैसा मैंने बताया कि आप रोज अभ्यास करें पुण्य जागरण का, आजोड़न करें, पहली बार 5 बार, 10 बार, 20 बार, 500 बार, 1000 बार, 10000 बार ऑटोमेटिक होगी, उसमें 4 साल, 2 साल, 5 साल लगे, वही तरीका है। ये भी तरीका है, ये तरीका जल्दी से है, उस तरीके में आपको 5 साल लग जाएंगे। 5 साल को लेकर 5 महीनों में कन्वर्ट करने के लिए उन विशेष यंत्रों के माध्यम से जिसे कि आप सफलता पा सके, इसलिए इस सामग्री की आपके जीवन में आवश्यकता होती है। आप सामने उस यंत्र को रख दें और जो तांबे का यंत्र है, और इसके आगे की ओर पीछे की ओर दोनों तरफ इस नारियल को रख दें। जो बिंदु है वो अपने दोनों हाथ में ले लें, बाएं हाथ में एक दाएं हाथ में गुटी का, और आप सीधे बैठ जाए। यह प्रयोग अभी भी करवाऊंगा, और सीधे बैठने का मतलब है आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा होगी, सीधी होगी, और 3 बार पहले हम ओम का ओम की ध्वनि करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे जिससे कि अंदर के थोड़ी जागृत होगी, और उतनी देर तक जागरयामी
बता रहा हूं उस मंत्र का अभ्यास करना है नित्य आपके घर में।
हकीक माला के माध्यम से। हकीक माला का मतलब यह हुआ कि गुटिका आपने रखी, 5-6 बार मंत्र पढ़ा, फिर गुटिकाओं को दोनों पासों में रख दिया, उसके बाद हकीक माला ले ली और हकीक माला से मंत्र जाप प्रारंभ किया। इसमें केवल 21 दिन का प्रयोग है और रोज 21 माला मंत्र जाप होना चाहिए। उसके बाद में रोज 1 माला अभ्यास होना चाहिए, इतने अभ्यास की जरूरत है। और जो मैंने भस्त्रिका जैसे आपके सामने करके दिखाई है, उसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए, प्रातः काल के समय या रात्रिकालीन समय, इसकी कोई जरूरत नहीं सुबह ही हो या दोपहर हो। जब भी आप खाली पेट हो, भोजन करने के बाद आप ऐसा नहीं करें, उससे पाचन शक्ति में फर्क आ सकता है। खाली पेट आप कर सकते हैं, इसमें कोई नाभि को नुकसान नहीं पहुंच सकता, शरीर को नुकसान नहीं पहुंच सकता। और वह मंत्र है ओम क्रीम क्रीम श्रीम श्रीम क्रीम क्रीम ओम। समझा रहा हूँ मंत्र को बात। क्रीम का मतलब है CREEM, ये क्रीम शब्द है जिसे आप सही उच्चारण कर सकते हैं। ओम तो आपको आता ही है, फिर मैंने आपको बोला है क्रीम, और 2 बार क्रीम बोलने के बाद बोला है श्री। श्रीम को अब अनाउंस करें SHREEM श्री, और फिर दोनों बार वापस क्रीम बोलना है क्रीम क्रीम। ये 2 अक्षर काम आते हैं, क्रीम और श्री और ओ, तीन अक्षर काम आए। उच्चारण सुनिए, आपको समझाइए। अब मैं 3 बार मंत्र दे रहा हूं और इस मंत्र को आप स्वीकार करेंगे तब मैं मंत्र देने की क्रिया करूंगा। इन दोनों गुटिकाओं को अपने हाथ में ले लें और मैं बोलूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे ओम क्रीम 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 ओम क्रीम 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 जैसी बात की ओम क्रीम 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 सिद्धि पोषण साथ जब संपर्ण है। अब थोड़ा सा समझिए, जब आप ये यंत्र है, इस यंत्र के ये माया भाग है, ये दायन भाग है, एक नारियल यहाँ रहेगा, एक नारियल यहाँ रहेगा। इस मंत्र को 3 बार जैसे मैंने बताया दोनों हाथों में गुटिका रख करके बोलना है। बोलने के बाद में एक गुटिका ऊपर की ओर रहेगी, एक गुटिका नीचे की ओर रहेगी। यंत्र जमीन पर रहेगा या लाल छोटा बिछा हुआ होगा उस पर रहेगा। इसमें दीपक आपके घर में अखंडित लगेगा 21 दिनों तक, दीपक बुझेगा नहीं, चाहे तेल का दीपक हो चाहे घी का दीपक। और किसी भी समय सुबह या शाम को मगर एक सिटिंग में आपको 21 माला मंत्र जाप करना है। इसमें मुश्किल से आपको 40 मिनट लगेंगे क्योंकि मंत्र बहुत छोटा सा है, 40 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। अभ्यास में बस शुरू में 1 घंटा लगेगा, फिर 40 मिनट 35 मिनट लगेंगे। यह केवल 21 दिन का प्रयोग है, किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन के बाद यदि आप यात्रा पर हो तब यह यंत्र आपके साथ रह सकता है और वहां पर भी इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। जो 40 मिनट का मंत्र जाप है वह आप कर सकते हैं, अखंड दीपक आपके घर में लगा रहे हैं। 21 दिन के बाद वह दीपक अपने आप में ही समापन हो जाएगा। वह साधना जिसके कले से साधना है 95% कार्य है, वह इस 21 दिन में संपन्न होगा। सुबह आपको समय मिले तो उठकर के प्राणायाम करें, जैसा कि मैं प्राणायाम करके आपको समझाए। सांस को जब आप हमें करेंगे सांस में ले चलेंगे और शुरू में भस्त्रिका करने का अभ्यास, चाहे कमरा बंद करके करें चाहे छत पर करें चाहे जागृति। और इस बात का ध्यान कि तेजी के साथ सांस लें और तेजी के साथ सांस छोड़ें, धीरे धीरे इससे कुछ होगा नहीं। चाहे 2 घंटे का चले यानी 2 सांस छोड़ना है जितनी आपके साथ ताकत, 2 सांस खींचना है जितनी आपके साथ ताकत। यह इसी पत्रिका का मोट है 5 या 6 बार 700 में तक आए 60 बार 60 टाइम
वसीका करनी चाहिए। साथ साथ में काफी जोर लगता है, पूरा शरीर निचुड़ जाता है साथ करते हुए, मगर उतनी वापस ताकत और ऊर्जा, ये बहुत डिफिकल्ट प्रयोग नहीं है, ये अपने आप पे गोप नहीं और महत्वपूर्ण प्रयोग है, और आप दूसरे दिन से ही इसका अनुभव करने लग जाएंगे। दूसरी दिन से ही आपको एकदम से हल्का संसान होगा, आपको एक दिन पर आनंद की अनुभूति होगी, थकावट भी नहीं आएगी, चाहे आप कितना ही कार्य करें, चार पांच छह दिन आठ दिन बाद तो आप खुद एहसास करेंगे कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा आपको प्रभावित होने लगी। उसके बाद में आप एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, एक माला मंत्र जाप नहीं कर सकते तो 20 बार उच्चारण करें, 5 बार उच्चारण करें, 1 बार उच्चारण करें, मगर बिल्कुल बैठ करके और बिल्कुल शांति के साथ शांति से बैठ रही है उस जगह उस मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करें। यह अपने आप देखे महत्वपूर्ण प्रयोग या मंत्र या ध्वनि आपको पूरे आर्थवत्व के किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये कारण की बात है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अत्यधिक गोपनीय विद्याएं गुरुमुख से ही प्राप्त हो सकती है, किताबों के माध्यम से प्राप्त हो ही सकती तो किताबों में ज्ञान है भी नहीं। इस प्रयोग को आप करें, यह पूरे जीवन का आपका आधार प्रयोग है जो मैंने आज आपको प्रयोग संपन्न करवाया है, और मैं आपको हमेशा आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में इस पूर्णता तक पहुंचे जहां मैंने बात शुरू की थी कि केवल गुरु दीक्षा लेने से हमें भी 84 लाख योनियों को 4 योनियों में परिवर्तित करते हैं, और ये मेरी बात नहीं कह रहा हूं, यह मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, यह मेरे अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं केवल पोथी पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।